अगर इस टाइप का शू मिल जाए तो मजे आ जाए। सिंपल से कॉर्नर है और यहाँ पर जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिंग दी हुई है। ये जो फ्रेंच टोस का नट है वो कुछ इस टाइप का रहता है, एक ही साइड एलन की लगती है, दो डिफरेंट रहते हैं इसके नट। देखो यार गाइस क्या गजब का लुक दे रहा है इसके। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल वर्क, क्या हालचाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस यार आज मैं फिर से एक और नया स्केट एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, और क्या करने वाला हूं वो तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज मैं मेरे फ्रेंच टोस्ट जो है इसका जो फ्रेम है इसको मैं मेरे MF 500 में लगा कर देखने वाला हूं, इसमें लगा कर देखने वाला हूं। और अगर फ्रेंच टोस्ट का ये जो फ्रेम है इसमें लग जाता है तो फिर ये वाला फ्रेम भी इसमें लग ही जाना चाहिए, मतलब दोनों का एक्सचेंज कर देखने वाला हूं। तो शायद ही लगेगा, मुझे लगता नहीं कि लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट कंपनी के स्केट्स हैं, तो फ्रेम साइज में थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, वो दिक्कत आ सकती है। अगर मतलब जो होल है, मतलब जो नट कसने के होल आते हैं फ्रेम में, वो अगर आगे पीछे हुए तो फिर दूसरे वाले शू में फ्रेंच टोस का जो फ्रेम है वो MF 500 में नहीं लगेगा। लेकिन वही हम देखने वाले हैं, लगता है या फिर नहीं लगता है, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो तभी पता चलेगा जब हम इसको लगा कर देखेंगे। मैंने अभी तक इसमें लगा कर नहीं देखा है, आपके साथ में ही लगा कर देखूंगा। और मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि इसको लगा कर देखूं, और मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आप थोड़ा एक्सचेंज करके बताओ करके होता है या फिर नहीं होता है, तो आज हम वही करने वाले हैं। और हाँ गाइस एक बात और बताना चाहता हूं आपको, मैं मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि पब्लिक रिएक्शन वाला वीडियो बनाओ फ्रेंच टोस्ट के साथ में, तो मैं खुद भी बनाना चाहता हूं, लेकिन अभी बंदों की कमी पड़ रही है जरा, क्योंकि थोड़ी एग्जाम वगैरह चल रही है बंदों की जो वीडियो बनाते हैं उनकी। लेकिन बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा मैं पब्लिक रिएक्शन वीडियो भी, लेकिन अभी जो गर्मी चल रही है ना वो भी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि पब्लिक इतनी निकलती नहीं है गर्मी वगैरह में, और पब्लिक रिएक्शन बहुत कमी मिलेंगे। लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर से लाऊंगा पब्लिक रिएक्शन। लेकिन अभी के लिए तो हम हमारा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फ्रेम एक्सचेंज करके देखते हैं। तो गाइस अभी मैं फ्रेम खोलने के लिए फ्रेंच टोस के साथ में जो लंबी वाली एलन की आई थी उसका यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो MF 500 के साथ में छोटी वाली एलन की आई थी वो इसमें लगती नहीं है, या अंदर यहाँ पर सही से लगती नहीं है, मतलब पहली बात तो टच भी नहीं होती और खुलेगा भी नहीं सही से। तो मैं बड़ी वाली जो एलन की है इसका फ्रेंच टोस के साथ में जो आई थी इसका यूज कर रहा हूँ। अभी मैं फ्रेंच टोस का फ्रेम जो है पहले खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद में MF 500 का खोलूंगा। तो यहाँ पर पिछले वाला जो नट है मैं इसमें एलन की लगाने की कोशिश कर रहा, तो ये व्हील जो है अभी अड़ रहा है, तो पहले मुझे इसको व्हील को खोलना पड़ेगा और फिर जो है फ्रेम का नट खुलेगा। बहुत ज़्यादा टाइट था यार। तो इसका सिंपल नट रहता है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का रहता है, नॉर्मल सा छोटा सा, मतलब एक ही साइड से आप कस सकते हैं और खोल सकते हैं। और अब जो है इसका फ्रेम खोलते हैं, इजीली खुल जाना चाहिए, बहुत टाइट कसा हुआ था भाई, खुल तो गया। अब अगला नट की बारी है। तो ये फ्रेम खुल चुका है फ्रेंच टोस का, और दिखने में एकदम औसम दिख रहा है, लुक कितना मस्त दिख रहा है यार। और शू भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल अकेला शू देख के तो आपको मजे ही आ जाएगा, अगर इस टाइप का शू मिल जाए तो मजे आ जाए। इसको रखते हैं साइड में और अब हम खोलते हैं MF 500 का फ्रेम। ये तो इजीली खुल गया क्योंकि मैंने इसको पहले भी खोलने की कोशिश करी थी। अब इसको खोलने के लिए मुझे इसका व्हील निकालना पड़ेगा, दो साइड एलन की वाला नट खोलना पड़ेगा इसको। तो MF 500 में कुछ इस टाइप का नट आपको देखने को मिल जाता है, दोनों साइड कसने के लिए एलन की लगती है। ये जो फ्रेंच टोस का नट है वो कुछ इस टाइप का रहता है, एक ही साइड एलन की लगती है, बाकी फ्रेम के अंदर ही ये कसा जाता है, तो दो डिफरेंट रहते हैं इसके नट, अलग अलग रहते हैं। और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्योंकि अभी जब मैंने इसको फोर व्हील सेटअप में कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, मतलब MF 500 के जो व्हील्स है वो इसमें लगाने की सोची थी मैंने, तो दिक्कत ये आ रही है कि मेरे पास इस टाइप के नट नहीं है। और ये जब मैं लेने के लिए पूछा था, मुझे बस दो पीस चाहिए थे, दो स्पेसर दो नट चाहिए थे, तो फ्रेंच टोस वाले बोल रहे हैं कि पूरा की पूरा सेट लेना पड़ेगा, अलग से नहीं देंगे। MF 500 का फ्रेम भी खोल ही लेते हैं फटाफट से। ये एलन की रहनी चाहिए, बड़ी एलन की हर किसी के पास रहना चाहिए भाई, क्योंकि फ्रेम नहीं खुलता है छोटी वाली एलन की से। तो ये दोनों खुल चुके हैं फ्रेम, और अभी इसको नाप कर देख लेते हैं हम नॉर्मल सा, कुछ इस टाइप में होल मिला कर देखते हैं। तो गाइस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लग रहा मुझे, लेकिन हो जाएगा, देखते हैं। अब इसको कस के देखते हैं MF 500 में कसाता है या फिर नहीं कसाता है। अगर ये कसा गया MF 500 के शू में, तो फिर ये वाला भी कसा जाएगा फ्रेंच टोस के शू में। अभी टेम्पररी कस देता हूँ, फिर इधर उधर करके जरा परफेक्ट करके एडजस्ट कर दूंगा। ये तो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर व्हील नहीं है। तो गाइस ये इजीली इन दोनों के जो होल है मैच खा गए हैं। मुझे लगा था कि आगे पीछे हो जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है, होल मैच नहीं खाएंगे, लेकिन आ चुके हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आया है। तो अब इसका जो व्हील है वापस कस देते हैं इसमें। तो देखो यार गाइस क्या गजब का लुक दे रहा है स्केट, बिल्कुल डिफरेंट स्केट बन चुका है। इसको क्या नाम देना चाहिए आप ही बताना, मैं इसको नाम देता हूँ MF टोस्ट कुछ भी नाम दे रहा हूँ, आपके हिसाब से नाम जरूर बताना अगर आपको देना लगे तो, मतलब क्या सोचते हो इसके नाम के बारे में। लेकिन गजब लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें ये वाला फ्रेम लग जाएगा MF 500 के शू में।
तो लग चुका है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वाला जो शू है मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं सोच रहा था कि काश इस टाइप का शू रहता, क्योंकि अभी जो फ्रेंच टोज का शू है ना, ये इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो अब ये वाला लग चुका है तो बहुत मज़ा आ जाएगा गाइस। लेकिन फिर भी ये शू थोड़ा भारी है, वो दिक्कत आ सकती है, लेकिन दिक्कत क्या है यार, वो तो चलाना है तो चलने में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, अब ये लग चुका है, गजब का लुक भी दे रहा है, मस्त लग रहा है। दूसरा वाला शू है उसको भी एक्सचेंज कर लेते हैं, फ्रेम को एक्सचेंज कर लेते हैं, और फिर ये वाला जो MF 500 का जो फ्रेम है इसको भी हम इसमें फ्रेंच टोस में कसेंगे। तो देखो गाइस, मेरे पास दोनों फ्रेम है आपके सामने, और इनमें मैं एक डिफरेंट बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला जो फ्रेम है इसमें दो बिग व्हील्स लगे हुए हैं, अगर मैं तीसरा व्हील भी लगा दूंगा ना तब भी ये इस वाले फ्रेम से हल्का ही लग रहा है मुझे, मतलब बहुत ही लाइट वेट है और ये भारी है, तो उस हिसाब से मजबूत भी है, भारी है, तो फ्री स्टाइल के लिए और स्टंट्स वगैरह के लिए है ये, तो फिर ये एकदम मजबूत भी है। और आप देख सकते हैं इसमें सपोर्टिंग वगैरह, यहाँ पर कितना सपोर्ट दिया हुआ है कॉर्नर्स वगैरह में, ये टूटे उटेगा कि भी नहीं, लेकिन ये भी वैसे टूटेगा नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, टूट जाएगा, लेकिन फिर भी इतना यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सिंपल से कॉर्नर है और यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग दी हुई है, और वेट भी इसका ज़्यादा है और मजबूत भी उसी तरीके से होगा। तो ठीक है, चलिए फटाफट से इनको हम एक्सचेंज करके लगा देते हैं इनके अलग अलग शू में। तो देखो गाइस, मैंने दोनों स्केट के जो फ्रेम है वो एक्सचेंज कर दिए हैं। फ्रेंच टोस का जो फ्रेम है वो मैंने MF 500 के शू में लगा दिया है, और MF 500 का जो फ्रेम है वो फ्रेंच टोस के शू में लगा दिया है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट स्केट बनकर तैयार हो चुके हैं, अलग ही दिख रहा है, क्या ही ये MF 500 का जो शू अलग ही लग रहा है, आप देख सकते हैं क्या ही गजब का लग रहा है बिग व्हील्स के साथ में, और फ्रेंच टोस का शू जो है वो छोटे व्हील्स के साथ में अलग ही लग रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता था अगर इसका जो व्हील्स रहते वो भी ग्रीन कलर में रहते ना, तो ये भी गजब का लगता, लेकिन व्हाइट कलर भी चल जाएगा, सही साइड लग रहा है। तो और जो ये जो है इसमें व्हाइट कलर के व्हील्स रहते तो ये भी सही लगता अगर व्हाइट कलर के व्हील्स रहते तो, लेकिन फिर भी ये भी सही लग रहा है ग्रीन कलर के व्हील्स के साथ में भी। तो गजब के लुक दे रहे हैं दोनों के दोनों स्केट्स। गाइस यार, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है और सक्सेसफुल भी रहा है। आप देख सकते हैं दोनों स्केट्स के जो फ्रेम है वो अदला बदली हो चुके हैं, और मुझे लग नहीं रहा था कि ये अदला बदली हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही डिफरेंट कंपनी के थे, लेकिन फिर भी ये अदला बदली हो चुके हैं इनके फ्रेम्स, तो इजीली हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बस इनके जो होल है वो थोड़े आगे पीछे थे, लेकिन दो दो होल होने के कारण इसमें एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो अब बात करें इनके ट्रायल की, तो ट्रायल में मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बस एक्सपेरिमेंट करना था, एक्सचेंज करके देखना था फ्रेम होते हैं या फिर नहीं होते हैं, एक्सचेंज नहीं होते हैं वो देखना था, लेकिन ट्रायल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा जब हम मॉर्निंग राइड पर जाएंगे इसको चेक करने के लिए, ट्रायल लेने के लिए, या फिर कहीं और पर रील वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रायल आपको नेक्स्ट वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो बाय गाइज़।